जल्दी से तैयार कर लेना, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। हाय गाइस, गाइस आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत होते ही हलीम बनना जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दाल वगैरह भी नहीं जा रही है। हलीम बनेगा आज टेस्टी तो मजा ही आ जाएगा, तो आज हलीम का ब्लॉग है ये। बाकी गाइस यहाँ पर इतना तो तैयार रखा है, आधा तैयार करके ही सोई थी रात का हम। अब कुकर में क्या हो रहा है? दालें गलाऊंगी, दालें कुकर में गलेंगी, दाल है गला देंगी मम्मा। जल्दी से तैयार कर लेना, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। तो गाइस अब यहाँ पर मम्मा खड़ी हो गई है हमारे लिए शेक बनाने के लिए। सुबह का अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, डायरेक्ट मम्मा काम पर खड़ी हो गई है सुबह से ही, और ये रेडी होकर आ चुका है अपना शेक। जल्दी से लेते हैं और चलते हैं काम पर। आज पूरा दिन हम लगभग बिजी हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी काम करें, हराम की न तोड़े। ला जल्दी जल्दी, ज्यादा पड़ गया। अरे वाह ज्यादा बन गया। चलो चलो ठीक है गाइस, अपना ब्रेकफास्ट है ये। तो गाइस अभी फिलहाल मम्मा के लिए एक पार्सल आ रहा है जो कि मुझे रिसीव करने जाना है, तो चलते हैं रिसीव करने। जा रहा हूँ मम्मा डिलीवरी लेने। तो भाई साहब अपने डिलीवरी वाले भैया जो है वो आ चुके हैं, ऑनलाइन करूंगा पेमेंट है। तो गाइस अभी चलते हैं घर पर। ठीक है गाइस, तो फाइनल डिलीवरी मिल चुकी है और डिलीवरी जो है डबल पैकेट की डिलीवरी मिल गई थी, एक पैकेट वापस करना पड़ा है तो इसलिए खुला खुला ऐसा आया है। ठीक है, ये मम्मा के लिए मैंने पर्स मंगाया था, स्लाइंग बैग। ओके वैसे सही लग रहा है मम्मा, है ना, मस्त है वैसे तो। छोटे ही तो मंगाया था, ज्यादा बड़े की जरूरत है? सही तो है, नॉर्मल सामान रखने के लिए है, अपने आराम से रख के ले जाओ जैसे नॉर्मली जो जाते हैं ना। ठीक है ना गाइस, आप लोग बताना कमेंट में कैसा लग रहा है आपको। अच्छा बढ़िया। और जवान का टीजर आ गया है, जवान का टीजर देख लूं मैं जल्दी जाओ। तो भाई साहब अभी जो है हलीम भी रेडी हो चुका है, यहाँ पर मम्मा ने हलीम रेडी कर दिया है। और गाइस अब चखने की बारी आती है, थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं नमक मिर्च कैसा है वो हम बताएंगे। मम्मा को दे देते हैं प्लेट निकाल कर। प्लेट दूं, प्याली दूं, क्या दूं? हैं प्याली दो, प्लेट प्लेट दे दो, उसमें ठंडा हो जाएगा। सही मैंने तो प्याली दे, अबे यार प्लेट निकाल, मैं तो प्लेट दूं गहरी। अच्छा चल जा गहरी, खाते वाली दे ना। ठीक है गाइस प्लेट दे दिए मैंने, अब लेते हैं हलीम जल्दी से खाते हैं, गरम बहुत हुआ। सर हमें बस नमक मिर्च चेक कर बताएं कैसा है इसका टेस्ट। ठीक है गाइस, तो ये आ चुका है निकल कर गर्मा गर्म हलीम, आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है। तो अब इसको खाते हैं आराम से। ठीक है, तो गाइस हलीम बनकर जो है रेडी हो चुका है और गाइस अब चलते हैं टेस्ट लेने के लिए और बताते हैं आपको कि कैसा बनाया हमारी मम्मा श्री ने उस हलीम को। उसके बाद आप लोग बताना फिर है। के काने में जाएगा तो बताएंगे। कोई बात नहीं, आप अंदाजा लगा कर बता देना कैसा बना है। यहाँ पर मम्मा जो है हलीम निकाल रही है अभी प्लेटों में। वैसे तो हलीम जो है ना ठंडा हो चुका है, गरम गरम नहीं है क्योंकि हम काम में लग गए थे फिर उसके बाद, तो इसलिए हमने इसको ठंडा हो जाने दिया। आज खाना नहीं खाया हमने, चखने में खा लिया था। यस गाइस, तो यहाँ पर मम्मा निकाल रही है अभी। तो गाइस हलीम निकल कर आ चुका है मस्त सा एकदम, अब चलते हैं अंदर और खाते हैं। टेबल पर बैठ के खाना है मम्मा? नहीं जमीन पे बैठ के। अरे यार मैं देख नहीं, तो रोड पे बैठ के खाएंगे। नहीं जल्दी लगा दो, बात ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। गाइस यहाँ पर मम्मा थोड़ी सी बिरयानी भी निकाल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे हलीम के साथ बिरयानी लगती बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर चल चुका है अपना, दस्तरखान अपना सज चुका है पूरा, आराम से बैठ कर खाते हैं। और ये आ गई है बिरयानी, चलो मम्मा बैठो जल्दी बैठो। हाँ सोच रही थी खड़े खड़े खा लूं। स्टैंड खाना वैसे चल रहा है शादियों में, पेट भरे ही नहीं भरे। भाई साहब शादियों में जो स्टैंड खाना होता है हम तो ठीक से नहीं खा पाते हैं क्योंकि हमको छीनने झपटने की आदत नहीं है, और लोग समझते हैं कि स्टैंड खाना हम करवा रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही वीआईपी हो जा रहा है। बैठकर खाना बेस्ट होता है, इस्लाम में भी ऐसी चीज है कि बैठकर खाना चाहिए और ठीक से मिल भी जाता है, तो बेस्ट तो यही है बैठने वाला खाना है। बिरयानी निकाले आपके लिए, खाएंगे? निकाल दो। और गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिरयानी के साथ हलीम खाना, हलीम डालेंगे अपनी बिरयानी में और फिर खाते हैं। अब हमारी बिरयानी में जा रहा है हलीम, अब आया गाइस मजा, असली मजा तो ये है गाइस हलीम का। हमारी आंटी कह रही थी वो दिल्ली वाली, हलीम बनवाओ, बन गया, आ जाइए। अब क्या फायदा, हमने तो खाया आपने तो नहीं खाया। आप भी खा लीजिए, आप भी आइए और खा लीजिए। आज भी डाल दो, भाई साहब अब आया असली मजा। हरी मिर्ची नहीं वो नहीं खाऊंगा बस। ठीक है गाइस, तो टेस्ट करते हैं। मैं आ गया भाई, बहुत ही टेस्टी बना है, नमक मिर्च सब कुछ एकदम बैलेंस। बिल्कुल खाइए, खाइए सबाना के गुन गाइए।
ठीक है सुखा लेते हैं इसको और फिर मुलाकात करते हैं आपसे, अभी तो इसमें मत हो तुम्हें। और गाइस खाना हो चुका है अपना फिनिश। तो भाई साहब खाने में तो मजा आ चुका है, बहुत जबरदस्त बनाया हमारी माता श्री ने हलीम का टेस्टी। आप लोग भी आइएगा और खाइएगा। प्रमोशन कर दिया अम्मा। ठीक है गाइस, तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि काम बहुत ज्यादा चल रहा है अभी इस चक्कर में। तो इसलिए गाइस पहला कमेंट है शाहरुख सैफी का, आपकी वीडियो का ही वेट कर रहा था। तो ऐसे ही करते रहिए और प्यार देते रहिए। फिर उसके बाद आदिल खान का कमेंट है, शादी में कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कह रहे हैं बहुत अच्छे ब्लॉग, कह रहे हैं बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो इंशाल्लाह आमीन, अल्लाह ताला अपनी मुराद पूरी करे। हमारी मुराद पूरी करे। तो थैंक यू। फिर उसके बाद यूजर लिखा हुआ है, कह रहे हैं नाइस ब्रो, तो शुक्रिया शुक्रिया। फिर हमारी आंटी का कमेंट है दिल्ली से, सूफियान नाम लिखा हुआ है तो आईडी पर, कह रही हैं गुड मॉर्निंग डियर, ऐसा लग रहा है ये भाई जिसका बर्थडे है वो गंज के हैं। तो हाँ गंज के हैं। एनआरटी स्टूडियो का कमेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, एक दिन आप बहुत ग्रो करोगे माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आमीन। अरसलान का कमेंट है, बहुत फैन फॉलोइंग हो जाएगी इंशाल्लाह, आप सभी को अल्लाह सलामत रखे। तो शुक्रिया आपका। फिर वाहिद खान हमारे आकिब ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम, आप सब ऐसे ही खुश रहें, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हिना खान का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। फिर ब्यूटीफुल आर्ट्स का कमेंट है, अनवार मामू के बेटे का बर्थडे था, तलहा भाई का जी। और उसके बाद अल्ताफ शेख का लास्ट कमेंट है, वेरी नाइस, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और इतने ही कमेंट है, प्यार दिखाने के लिए ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, हम अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले हैं सरप्राइज आपके लिए, ठीक है। और आज के ब्लॉग कहीं ब्रांड कर रहे हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शेयर भी कर देना। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।